भाई ये साइड भाई लास्ट में भाई ready push Serena two chest Reshma those are coming ये पानी है क्या? इसे वॉश माय हैंड्स इन माय हैंड्स हाँ रोलिंग गाइस रोली रोलिंग अरे तेरा तो अभी भी यही यूज कर रहा है क्या राजू अभी यही यही यूज कर रहा है तू अभी तक सलमान सबसे पहला सवाल इस हफ्ते में सबसे पहला सवाल बहुत ही एनर्जेटिक दिख रहे हैं आप आज माशाल्लाह बहुत क्यों तो सबसे पहला सवाल तकलीफ खुशी का मौका नहीं माशाल्लाह ऐसे ही रहे आप हमेशा रिवाइटल खाओ नहीं है एनर्जी आजकल कमाल है रीवाइटल रीवाइटल आपके सवाल का जवाब है रीवाइटल खाओ मेरे फादर भी खाते हैं लोगों से बहुत अच्छी है मेरे फादर की तस्वीर देखी आपने जी बहुत बड़ी हिट हुई है क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाजा था कि इतनी मॉन्स्टर हिट साबित होती है एक फीलिंग तो थी लेकिन ये हमेशा से ये हमारी थिंकिंग थी कि जितने लोग जाएंगे थिएटर में ये पिक्चर देखेंगे अप्रिशिएट करेंगे हम सबको सिर्फ एक ही चीज़ पता चल जाएगी कि हम सेफ पेज पर हैं सेफ वेवलेंथ पे थिंकिंग सेम है तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि सब लोग गए थिएटर के अंदर और किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्या गलत फिल्म बना दिया इन लोगों ने क्यों हमेशा से जब हम लोग डील करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर तो हम डील करते हैं आर्मी वगैरह वगैरह ये वो यू नो टेररिस्ट हमने कभी वो एक ह्यूमन साइड एक आम आदमी का एक वो साइड दिखाया ही नहीं तो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी आम जो जो इंसान हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं उनको तो हमने कभी दिखाया नहीं हमारी पिक्चर में तो ये हमारा था और फिर एक नोबल फिल्म थी कि जो एक बच्ची को अब वापस अपने माँ बाप के पास घर छोड़ के आना इससे बेटर क्या हो सकता है तो बेसिकली हम लोग डील कर रहे थे विथ ह्यूमैनिटी और वो सब लोगों को पसंद आई ऐसा काम होता है कि पाकिस्तान में फिल्में रिलीज हों हिंदी फिल्में और जो आप लोगों का मकसद था भाईचारा जी उसमें भी आप लोग कामयाब हुए और जी. पाकिस्तान में भी बहुत बहुत ज़्यादा चर्चा हुई जी 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 तो उस बारे में आप क्या कहेंगे तो खुशी की बात है ये यू नो वी वर स्केयर्ड क्योंकि एक पहले का जो राउंड ऑफ एक नेगेटिविटी थी इस फिल्म के प्रति कि क्या बना रहे हैं ये लोग यू नो कि किसको नीचा दिखाएंगे किसको ऊपर दिखाएंगे तो हम तो ये कब यू नो पहले से ही कह रहे थे कि इससे पॉजिटिव फिल्म हो नहीं सकती तो जो हमारी जो थिंकिंग थी इस फिल्म के प्रति ये सब लोगों ने यूनैनिमसली ये पिक्चर देख के कहा है कि इससे बेटर इससे बढ़िया इससे बेहतर फिल्म नहीं बन सकती और बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला इंडस्ट्री की तरफ से जितने लोगों ने ये फिल्म देखी इनफैक्ट आमिर और शाहरुख ने बिना ये फिल्म देखे हुए ट्रस्ट करके उन्होंने यू नो फर्स्ट लुक लॉन्च किया है यू नो ट्विटर पे फिर जिन ने ये फिल्म देखी इंडस्ट्री के अंदर उन सबको बहुत पसंद आई बट सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि जो फैन फॉलोइंग है इससे यू नो एक अलग ही किस्म का रिस्पेक्ट आई मीन अप्रिसिएशन तो हर फिल्म के अंदर कभी मिलता है नहीं मिलता है मेजॉरिटी वो नंबर्स डिसाइड करती हैं कि इस फिल्म को अप्रिसिएशन मिला है नहीं मिला है तो एक अप्रिसिएशन के साथ एक इज्जत भी बहुत इस फिल्म यू नो से बड़ी है लंबे समय बाद आपके एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई है सर एक्टिंग सर मैंने अपने आप को कभी ना एक्टर माना है ना कभी स्टार माना है तो
ये मेरा बड़प्पन है लेकिन सी इट्स रियली स्वीट ऑफ देम इट्स रियली स्वीट ऑफ देम एंड आई रियली अप्रिशिएट व्हाट दे सेइंग एंड आई बीन हियरिंग अ लॉट ऑफ दिस बट आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु डिजर्व नेशनल अवार्ड मोर देन आई डू एंड जो अवार्ड मुझे मिला है you know people have loved the film you know they've watched the film 3-5 times I think that is isse bada national award kya mil sakta hai jo public ne mujhe already de diya hai someone acting ke sath sath when you do a film usually yeah. at the end of the climax Salman doesn't limp in any of his films you don't expect Salman to limp across the border and it's supposed to be the climax always supposed to be you know larger than life was this an experiment no dude I mean if you are trying to save somebody's life in that process you die you know isse bada hero kya ho sakta hai and the films that you're talking about wo alag type ki film hai jaise dabang hai wanted hai where the good always has to you know overcome evil he always has to be one up on evil fayda kya hai ki hero hai aur villain jeet jata hai end ke andar to matlab ki burai ki jeet hoti hai good ke upar नहीं चाहिए भाई तुम ना पूछ तुम मुँह पोस्ट अपना तो इन ऑल आर फिल्म्स इट इज ऑलवेज गुड ओवर इवल सो दैट इज़ व्हाट वी बीन ट्राइंग टू डू यू नो दैट्स व्हाट आई बीन ट्राइंग टू डू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये जब मैं खुद ऐसी पिक्चर देखता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है यू नो आई कम आउट चार्ज्ड एक एनर्जी लेवल बढ़ती है एक एज कम हो जाती है यू नो रिवाइटल भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती उस वक्त ये मेरा रिवाइटल एक लक्ड आउट हो गए वापस से एक हमने एक मिस्टर विजेंद्र प्रसाद जिनकी ये सेकंड फिल्म है जो कि एक हफ्ते में रिलीज हुई थी कुछ आई थिंक एक महीने पहले बाहुबली और ये दोनों ही यू नो आर गोइंग टू बी लाइक द बिगेस्ट हिट्स इंशाल्लाह सो It is all credit to him. He came to us with this script. और कबीर और मुझे दोनों को ये पिक्चर बहुत पसंद आई एंड सिंस आई एम फ्राम अ राइटर्स यू नो बैकग्राउंड तो सबसे ज़्यादा अहमियत जाती है यू नो स्क्रिप्ट के ऊपर तो स्क्रिप्ट हमको इतनी अच्छी लगी इतनी पॉजिटिव लगी तो असर ये कर ही रहे हैं तो प्रोड्यूस ही करना है तो इसमें हमारा एज अ प्रोड्यूसर के क्या करना है मुझे एक्टर ट्रस्ट वर्दी है एंड द प्रोड्यूसर फेल्ट दैट द डायरेक्टर एंड एक्टर our superb guys to work with so many issues are being addressed after the film like the case of Geeta ji how are you helping them and how are you bajrangi bhaijan has I mean ye I think yeah I'm not very clear because I'm been here for the longest time to ye kitne saal se mujhe inki history thodi thodi pata hai to ke ye pakistan mein mili thi 15 saal pehle तो वहाँ पे पहुँची कैसे वो ट्रेन के थ्रू पहुँची वहाँ पर इससे पहले इनके माँ बाप ने इनको क्लेम करने की कोशिश नहीं की ना कोई FIR ना कोई रिपोर्ट ना कुछ एनी पुलिस स्टेशन कुछ नहीं लेकिन नहीं आई थिंक कोई NGO पाकिस्तान से कुछ उन्होंने पहल की थी शायद वो जी मीडिया में रिपोर्ट नहीं आई थी तो आई थिंक वी शुड लीव टू द गर्ल एंड वी शुड थैंक यू नो द NGO ऑफ पाकिस्तान यू नो हर फॉस्टर पेरेंट्स जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है 14 साल से उन्होंने वहाँ पर उसको यू नो एक अच्छी जिंदगी दी तालीम दी है उसको वहाँ पर तो वी शुड रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट दे हैव केप्ट an Indian there for such a long time and I think jab wo decide kare ki unke maa baap kaun hain wo fir wo aap test kara le because abhi itna hype ho gaya to you know you should find her real parents out aur fir wo jo zindagi jo wahan mili hai jo ye 14 saal se you know I think she must be having her own family there own friends there to only if she gets it much better here that we should or if she's coming down here any which way then we should make sure that her life out here
you know, is a lot better than it was there. Otherwise, fir point kya hai? You know, and I think the government is looking into it, and I think it's a they're very competent people, and I think they should take this to the end result of it. If she agrees, and you know, if she they find her, you know, her rightful parents, then I think this should definitely be done. जी हाँ जी हाँ, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है, एंड वी ट्राई टू नॉट हर्ट एनी बडी सेंटिमेंट्स, तो वही है हम, और ये तो हमारा बैकड्रॉप था पिक्चर का, यू नो, द एक्चुअल स्टोरी इज एक सच्चा भोला आदमी एक बच्ची को अपने यू नो घर यू नो छोड़ के आता है, उसको बाद में पता चलता है ये पाकिस्तानी है, फिर पहले पता चलता है कि मुसलमान है, ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मण है, फिर पता चलता है कि क्षत्रिय है, तो धीरे